हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। और मैं हूँ दिल्ली का ड्राइवर और मेरा चैनल है दिल्ली ऑटो बॉय 99। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं हूँ इस टाइम पर दोस्तों उत्तम नगर में और मैं सवारी देखता हुआ जा रहा हूँ कि मुझे कहाँ की सवारी मिलती है। दोस्तों मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ हो चुका है। आज से 4 साल पहले मैं अरविंद हॉस्पिटल दिल्ली गेट पर है वहाँ पे अपने ऑटो वालों के साथ खड़ा हुआ था सवारी के इंतज़ार में। तो दोस्तों मैंने एक बंदे को देखा, वो एक साइड में खड़ा हुआ रो रहा था। तो मैं उसके पास पहुँचा तो मैंने कहा, भाई क्या बात हो गई है, क्यों रो रहे हो तुम? तो उसने मुझसे बताया कि मैं बिहार से आया हूँ अपने बेटे का इलाज कराने के लिए और मेरे बेटा मर गया है और मुझे उसको बिहार ले जाने के लिए एम्बुलेंस करनी पड़ेगी और एम्बुलेंस के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मैं उसको यहीं पे दफनाना चाहता हूँ। दोस्तों वो नॉन मुस्लिम था, उसका सुनील नाम था। तो मैंने कहा, भाई तू परेशान क्यों हो रहा है, यहाँ पास में ही निगम बोर्ड घाट है बस अड्डे पे और मुझे पता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा इंतज़ाम करवाता हूँ। अरे भैया मेरे पास पैसे नहीं। मैंने, पैसों की कोई ऐसी बात नहीं है, आप चलो मेरे साथ, मैं देख लेता हूँ। तो दोस्तों मैं उसको गाड़ी में बिठा के और मैं निगम बोर्ड घाट ले गया। वहाँ पर एक बच्चों का कब्रिस्तान है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दफनाया जाता है, जो 5 साल से ऊपर होते हैं तो उनको जला दिया जाता है। तो अंतिम संस्कार करने के लिए मैं उसको वहाँ पर ले गया। तो दोस्तों जब वहाँ पर मैं पहुँचा तो पहुँचने के बाद वहाँ का जो इंचार्ज था, मैंने उससे कहा, भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है, ये बंदा बिहार से आया हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इसके पास पैसे नहीं है और आप यहाँ पर किस तरह किया जाता है इसका क्रियाक्रम मुझे बता दोगे आप? तो उसने बोला, भाई कब्र खोदनी पड़ेगी और कब्र खोदने वाला आपसे 300 रुपये लेगा। मैंने, भाई ये परेशान है, अब एक काम करो, मुझे दे दो फावड़ा वगैरह जो भी है, मैं खोद के और मैं इसको साथ में मिलके दफन कर दूंगा। और ये परेशान आदमी है, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और जितने भी ऑटो वाले हैं भाई, ऐसा कोई बंदा मिले परेशान हाल में तो उसकी पूरी आप लोग हेल्प करा करें। और देखिए, हम पैसों के लिए तो दुनिया में भाग रहे हैं, हमें नेकी भी कमानी चाहिए, मरने के बाद हमें नेकी हमारा साथ देगी, ये धन दौलत। बच्चा जब पैदा होता है वो बड़ा होके वो 3 चीज़ों के पीछे भागता है, मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा मकान अच्छा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, और ऊपर वाला सिर्फ 1 सेकंड में सारी चीज़ें छीन लेता है, नाम मुर्दा, कपड़े कफन और मकान कब्र, यही है ज़िंदगी में। तो दोस्तों मैंने उससे बोला, तो उसने मुझे फावड़ा दिया और फावड़ा लेके मैंने जो है कब्र खोदी। तो मुझसे कहने लगा, भाई मुझे कुछ सामान लेकर आना है। मैंने कहा, भाई पैसे ले लो मुझसे, लिया हो तो। वो कहने लगा, नहीं इतने पैसे हैं मेरे पास। तो एक लाल कपड़ा और एक नारियल और अगरबत्ती वगैरह लेकर आया वो, और लाने के बाद उसने जो है, जब तक वो लेकर आया जब तक मैंने कब्र खोद दी थी और मैंने उसको कब्र में उतारा और उसको दफनाया। ज़िंदगी में पहली बार कब्र में उतरा था मैं, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे भी अफसोस हो रहा था। 6 साल का बच्चा था वो, बहुत परेशान हालत में उसका इंतकाल हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि यार कैसे कैसे लोग दुनिया में पड़े, कहाँ कहाँ से आते हैं और कहाँ इलाज कराने आते हैं इतनी दूर से। तो फिर दोस्तों मैंने उसको दफनाया, दफनाने के बाद उसको लेकर आया और लाने के बाद उसको मैंने अर्बन पे छोड़ा। मैं शाम को 4 बजे उसके साथ गया था दोस्तों, और वहाँ से मैं 3 घंटे के बाद वापसी आया, 7 बजे, 7:30 बज चुके थे, रात का टाइम था। तो उतरने के बाद वो मेरे गले मिला और बहुत फूट फूट के रोने लगा। मैंने, भाई रो मत, जो होना था वो हो गया, कोई बात नहीं, अब तुम घर जाओ और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझसे ले लो, 200-400-500 जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगा। कह लगे, नहीं भाई मेरे पास 600-700 रुपये हैं, मैं आराम से बिहार पहुँच जाऊँगा। तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा दिलासा दिया। दिलासा देने के बाद मुझसे कहने लगा दोस्तों कि भाई आप अपना खर्चा बता दो। मैंने, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे हमेशा दुआ में याद रखना। तो दोस्तों मैंने उससे विदाई ली। विदाई लेने के टाइम उसने ज़बरदस्ती, दोस्तों उसने मुझे 150 रुपये मेरी जेब में ज़बरदस्ती डाले। मैं उसको मना करता रहा लेकिन वो माना नहीं। मैंने, भाई तेरे पास ऑलरेडी किराया कम है बिहार जाने के लिए और तू ऊपर से मुझे पैसे दे रहा है। कहला, भाई कोई बात नहीं, आपने इतना करा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिला कि आप कि ऐसे भी बंदे होते हैं जो इतना मदद करते हैं। तो मैं कहता हूँ दोस्तों, मदद तो देखो अल्लाह की तरफ से आती, मुझे अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बना के भेजा था उसके लिए, जो कि मैं उसके काम आया। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे
उसके लिए चुना। तो दोस्तों उसके जाने के बाद फिर मैं घर आ गया, मुझे रात भर नींद नहीं आई यही सोच के कि आज मैंने करा क्या है। और उसके बाद अपने दिल को दिलासा दिया मैंने, चलो अल्लाह ताला ने मुझसे ही लेना था, बोला सुकून मिला मुझे। बस इस टेंशन में रह गया कि यार कैसे कैसे लोग पड़े हैं दुनिया के अंदर, कहाँ कहाँ आते हैं कहाँ नहीं आते हैं, सब देखने के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपको कोई बंदा गाड़ी चलाते हैं, राहगीर हैं, कोई अगर परेशान है, तो उसकी पूरी पूरी हेल्प करें और उन्हें सपोर्ट करें, ताकि दुनिया में हर तरीके का आदमी है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अगर आपको कोई अच्छा काम मिल रहा है ना करने के लिए, तो आप वो मौका गवाओ मत। आप ये सोचो कि ऊपर वाले ने आपको चुना है वो अच्छा काम करने के लिए। हम ये दुनिया चल रही है अच्छे और बुरे लोगों से, अच्छे लोगों से दुनिया चल रही है, बुरे लोगों से भी चल रही है, कि ऊपर वाले ने एक निज़ाम बनाया है ज़िंदगी गुजारने का। किसी का नुकसान होता है तो किसी का फ़ायदा होता है, गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है। मैंने बहुत बार ऐसे हादसे देखे हैं, गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, मैंने ड्राइवरों को पिटते हुए देखा है, बचाया भी है। लेकिन वही बात है ना, आदमी का जब एक्सीडेंट होता है या कोई नुकसान होता है, तो उसको मारते हैं, उसका खून निकल जाता है, नुकसान होता है, तो क्या उसकी भरपाई थोड़ी ना हो जाती है। आप ये सोच के सब्र कर लो कि यार इसमें भी ऊपर वाले की कोई बेहतरी थी, ये हुआ है। और ये डेंटर पेंटर ये सब क्यों बैठे हुए हैं, ये इनको रोज़ी देने का अल्लाह ने वादा करा है, तो ये एक ज़रिया है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। और दोस्तों मैं पहुँच गया रोहिणी, मुझे कहानी बताने में मैं भूल गया, मैं रोहिणी पहुँच चुका हूँ। मैं सवारी लाया था डिस्ट्रिक्ट सेंटर से और यहाँ सवारी उतार के फिर जाऊँगा वापसी सीलमपुर।